नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल एसजी क्लासेस अजमेर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ल स प एलसीएम, और एलसीएम का बेसिक ही नहीं, कोर बेसिक के साथ साथ मैं आपको एलसीएम की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो देखते हो भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, फिर आके वीडियो देख लेना। दोस्तों, मैं एक बात आपको समझा दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता, एलसीएम निकालने में ही तकलीफ है। तो ल स प मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, लघुत्तम समापवर्तय, इन्हें अपवर्तय भी लिखा जाता है कई जगह। तो लैंग्वेज बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा उलझ जाता है, और मल्टीपल कुछ लोग इसे गलत लिखते हैं, मल्टीप्लाई गलत होता है। दोस्तों, मल्टीप्लाई अलग होता है, मल्टीप्लाई का मतलब ये मल्टी और ये मल्टी, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है मल्टीपल। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना, ये वर्ब का काम करता है, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ये नाउन है दोस्तों, ये वर्ब है और ये नाउन है। लोग इसे गलत बोलते हैं, लोग इसे पढ़ लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ लोग तो और भी महान होते हैं, वो लीस्ट कॉमन मेथड बोल देते हैं। कोई बात नहीं, उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। देखिए, मुझे 2, 3, 4, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। आई हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6 एंड 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटे से छोटा नंबर है उसे हम भाग देंगे। देखिए, सबसे छोटे से छोटे नंबर से, ये कोर बेसिक में आपको बता रहा हूँ, छोटे से छोटे नंबर से भाग दे। जैसे 2 का भाग मैं इसमें देता हूँ, तो देखिए 2 का भाग जिसमें जा रहा है उसमें चला जाएगा, एक बार नहीं जाता तो इसको एज इट इज 3 लिख देंगे, 2 बार, 3 बार और फिर 4 बार। वापस छोटे से छोटे नंबर का भाग दें, सबसे छोटा नंबर होता है 2, 2 का भाग देते हैं। 1 आ चुका है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 1, 3 और ये 2, फिर 2 का भाग देंगे। अब स्टूडेंट के मन में सवाल आता है, सर कब तक हम ऐसा करें, कब तक हम 2 का भाग दें? इसका मैं आपको आंसर देता हूँ, जब तक किसी भी एक संख्या में भाग जा रहा है। तो अगर किसी भी एक संख्या में भाग जा रहा है तो अपने को 2 का भाग देना है, और जब 2 का भाग नहीं आएगा तब बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, मैंने यहां लिख दिया 2, 1, 3, 1, 3 और ये 1। हालांकि दोस्तों, ये सब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, फिर सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं 2। अब देखिए, क्या 2 का भाग किसी भी संख्या में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो हम 2 का भाग नहीं देंगे, हम 2 से बड़ी संख्या की तरफ रुख करेंगे, मूव करेंगे और भाग देंगे 3 का, 1, 1, 1, 1 और 1। जब ये सारे के सारे कट पटा करके 1 बच गए तो दोस्तों अब हमारा आंसर आ जाएगा। इन्हें इन्हें बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, पी फैक्टर्स, इन्हें बोलते हैं पी फैक्टर्स। पी का फुल फॉर्म क्या होता है उसे छोड़ दीजिए, आप इसे ध्यान रखें, पी फैक्टर्स इन्हें बोलते हैं। और इन्हें जब आप गुणा करेंगे तो जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। गुणा करते समय ध्यान रखें, इन्हें हमेशा उल्टा गुणा करें, यानी नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करें। हाँ, ऐसा करने से क्या होता है कि बाद में तो 2-2 बचता है, तो मन में डबल डबल कर सकते हैं, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 और 12 का डबल 24। तो दोस्तों, मेरा आंसर है 24। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। 2, 3, 4, 6, 8 का मुझे एलसीएम लेना है। जब मैं 2, 3, 6, 8 का एलसीएम लेना चाहता हूँ तो मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का भाग देना शुरू करूँगा, जो कि होगी 2। 2 का भाग मैं तब तक देता जाऊँगा जब तक किसी एक संख्या में भी भाग जा रहा है। जब 2 का भाग जाना बंद हो जाएगा तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7,
बस भाग देता जाऊंगा, और जब लास्ट में सारे एक 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 बच जाएंगे तो इन पी फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, पी फैक्टर्स, वापस बोलिए, पी फैक्टर्स को गुणा कर दूंगा, और गुणा करते समय ध्यान रखूंगा मैं हमेशा हमेशा उल्टा गुणा करूँ। तो दोस्तों ये था बेसिक, और मैं अब आपको इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त, वो देखिए आप। यही क्वेश्चन मैं वापस लिख देता हूँ, 2, 3, 4, 6 और ये 8। दोस्तों आपको जैसे निकालना आता है एक बार वापस निकाल लीजिए, जब निकाल चुके हों तो इस ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनी स्मॉलर नंबर डिवाइड्स एनी बिगर नंबर कंप्लीटली, कैंसल द स्मॉलर वन, कैंसल द स्मॉलर वन या फिर कैंसल द स्मॉलर नंबर। यदि किसी छोटी संख्या का भाग किसी बड़ी संख्या में पूरा पूरा जाता है तो छोटी संख्या को काट दे। चलिए चेक करते, जैसे सबसे छोटी संख्या है 202, क्या 2 का भाग आगे किसी बड़ी संख्या में जा रहा है पूरा पूरा? जी हाँ, 4 में भी जा रहा है, 6 में भी और 8 में भी। हमें इतने सारे चेक नहीं करने, 4 में भाग जा रहा है ना, बस काफ़ी है, काट दो। किसे? 4 को नहीं, 2 को, 2 को काट दो। ध्यान रखें छोटी संख्या को हम काटेंगे, कब काटेंगे? जब छोटी का भाग पूरे में बड़ा बड़ा जा रहा होगा, पूरा पूरा जा रहा होगा। दोस्तों अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है मुझे, 3। देखो 3 का भाग आगे किसी बड़े नंबर में पूरा पूरा जा रहा है क्या? जी हाँ जा रहा है, किसमें? 6 में। तो मैं काटूंगा किसको? 3 को। अब बचा 4, क्या 4 का भाग 8 में जाता है तो 8 को नहीं काटूंगा मैं, 4 को काटूंगा। अब 6 का भाग किसी में नहीं जाता पूरा पूरा, 8 का भाग नहीं जाता, तो दोस्तों सेकंड स्टेप, नाउ टेक एलसीएम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। ये दोस्तों नंबर के शॉर्ट फॉर्म एनओ और एस प्लूरल हो गया नंबर्स। अब बची हुई संख्याओं का एलसीएम ले लेवे, दैट्स इट। दोस्तों 6 और 8 का एलसीएम ले लो, 2 का भाग देंगे 3 बार और 4 बार, जरूरी नहीं है मैं 6 के नीचे 3 लिखूं, 8 के नीचे 4 लिखूं, मेरी इच्छा हो जाए लिखूं। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, मैंने आपको बताया मैं एक लिखूंगा ही नहीं, और फिर 3 का भाग देंगे तो सारे एक 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 साथ लिख देता हूँ। देख लीजिए पी फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, जो पहले पी फैक्टर्स है 2, 2, 2, 3, अभी भी वही पी फैक्टर्स हैं 2, 2, 2, 3। तो जब पी फैक्टर्स सेम है तो मेरा आंसर भी सेम आएगा, जो कि होगा 24। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त, जो कुछ आप कॉपी करना चाहें वीडियो पॉज करके उसे कॉपी कर सकते हैं, और फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना कि बेसिक तरीके से। 2, 3, 4, 6, 8 नहीं वही क्वेश्चन नहीं है भैया, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 12, 20, 30, 60 और ये 100। हाँ ये 36 नहीं है, ये 30 है। ये 30। दोस्तों वीडियो पॉज करें, स्वयं एलसीएम लेने की कोशिश करें, आशा करता हूँ अब तक आपने ऐसा कर लिया होगा। सबसे पहले देखिए 2 कट जाएगा क्योंकि 2 का भाग 4 में जा रहा है, 3 कट जाएगा क्योंकि 6 में भाग जा रहा है, 4 कट जाएगा क्योंकि 8 में भाग जा रहा है, 6 कट जाएगा क्योंकि 12 में भाग जा रहा है। 8 का भाग मुझे किसी में जाता नहीं दिख रहा है। 12 कट जाएगा क्योंकि 12 का भाग 60 में जा रहा है, 20 कट जाएगा, 20 का भाग भी 60 में जा रहा है, 30 कट जाएगा, 30 का भाग भी 60 में जा रहा है,
और 60 का भाग 100 में नहीं जाता, 100 तो सबसे बड़ा नंबर है। तो दोस्तों तीन संख्याएं बची, 8, 60 और 100। अगर आपने कोई और संख्या छोड़ दी थी तो भी कोई बात नहीं, है ना, आप एलसीएम ले लीजिए। 2 का भाग देंगे तो 4 बार, 30 बार और 50 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 15 बार और 25 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं मुझे, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार और 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और फिर 5 का भाग देंगे दोस्तों, अब सारे के सारे एक साथ लिख दीजिए, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पी फैक्टर्स, और इन्हें हमेशा उल्टा गुणा करना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आएगा। 25, 25 या 75 का डबल 150 का डबल 300 का डबल 600। दोस्तों ये इन सब नंबर का एलसीएम है जो हम फटाफट निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उसे आप हल करें। 2, 5, 8, 10, 15 और ये 20। वीडियो पॉज करें, स्वयं हल करने की कोशिश करें। चलिए, 2 कट जाएगा 8 की वजह से, 5 कट जाएगा 10 की वजह से, 8 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा 20 की वजह से। 2 का भाग दे तो 4, 15 और 10, फिर 2 का भाग दे तो 2, 15 और 5, फिर 2 का भाग दे तो 15 और 5, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 और ये 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो सब हो जाएंगे 1, 1, 1। उल्टा गुणा करिए, 15, 30, 60, 120, ये हमारा आंसर एलसीएम आ गया 120। एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तय, जिसे अपवर्तय भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगा, 3, 4 और 12 का एलसीएम। वीडियो पॉज करें, खुद लें। 3 कट गया, 4 कट गया, बचा क्या 12। 12 के पी फैक्टर्स करने की आवश्यकता नहीं है, अपना आंसर है 12। एक और क्वेश्चन, 3, 4, 12 और 15। दोस्तों वीडियो पॉज करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ अब तक आपने हल कर लिया होगा। 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 6 और 15, फिर 2 का भाग देंगे तो 3 और 15, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 और 5, हालांकि मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर 5 और ये 1, 1 सवा गया। इन सबको बोलते हैं पी फैक्टर्स। गुणा कर लीजिए, 15, 30 और ये 60, तो मेरा आंसर आएगा दोस्तों 60। दोस्तों ये सब कुछ था एलसीएम के बारे में, बहुत बहुत मज़ा आया होगा आपको, वीडियो है ही इतना अच्छा। मैं आपको वापस बता देता हूँ, कोर बेसिक, कोर बेसिक तो छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते जाओ जब तक किसी भी एक संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब भाग जाना बंद हो जाए तो 3 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 6, 7 आगे बढ़ते जाओ। ट्रिक मैंने आपको बताई कि सबसे पहले ये चेक कर लो किसी छोटी संख्या का भाग बड़ी में पूरा पूरा जा रहा है क्या। जा रहा है तो बड़ी को मत काट देना, छोटी संख्या को काटना। जैसे ही छोटी संख्या को काटोगे, काटते जाओ काटते जाओ, लास्ट में जो नंबर बचे उन सबका आप एलसीएम ले लो। दोस्तों होमवर्क, होमवर्क जिन लोगों के पास बेसिक शीट्स हैं, बेसिक्स शीट में एक चैप्टर दे रखा होगा एलसीएम एचसीएफ। तो फिलहाल तो मैंने आपको एलसीएम ही पढ़ाया है, तो आप एलसीएम वाला होमवर्क करेंगे और एलसीएम की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। दोस्तों इसमें शुरू के 25 प्रश्न आपको करने हैं, 1 to 25 क्वेश्चन जो केवल एलसीएम निकालने के लिए हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 38 हैं, बाकी बचे हुए 13 क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि वो एचसीएफ पर बेस्ड है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बेसिक्स में, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो वो एचसीएफ को लेकर के उसके बाद आप ये प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी अपडेटेड वीडियो अपलोड होते ही पता पड़ जाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद और जय भारत।